उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया गया। उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि सभी बूथों पर वीवीपैट युक्त ईवीएम लगाई जाएगी, साथ ही 40 से 50 फीसदी मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। सौजन्या ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में ईवीएम को रिजर्व रखा गया, इसके अतिरिक्त मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। हमारा विधानसभा का इलेक्शंस के लिए पूरा तैयारी है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बाई इलेक्शन है तो उसमें जो भी ईवीएम्स हमें यूटिलाइज़ करने के लिए चाहिए था, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट, उनका पूरा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वो उपलब्ध है। और टेरेन थोड़ा टफ होने की वजह से हमें रिजर्व ईवीएम भी जितना चाहिए उसको भी हमने लेके तैयारी करके रखा है। और जो हमारा टीम्स है वहाँ पे, जो सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स, उनका पूरा ट्रेनिंग्स हो चुके हैं और आरओ एआरओ का भी उनका ट्रेनिंग्स वहाँ पे हो चुके हैं। और हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स PO1 PO2 PO3 का भी पूरा रैंडमाइजेशन, फर्स्ट ट्रेनिंग, ये सब कार्यवाही अभी चल रही है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जर्वर भी सेंटर से जो तैनात होनी है वो भी आ चुके हैं और सभी तैयारी हमारा इस बारे में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा पोस्टल बैलेट्स होनी है, जो 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और एसेंशियल सर्विसेज, उसके लिए जो होना है वो भी तैयारी अभी शुरू हो चुकी है और वो भी एज़ पर नियम हम कर लेंगे।